सोचिए कि आप अपने घर में सोए हुए हैं, रात के 12-1 बज रहे हैं और आपके घर में कोई पुलिस वाले दस्तक दें, आपके गेट को नॉक किया जाए और कहा जाए कि साहब आपके नाम पर वारंट आया है और आपको पुलिस उठा करके ले जाने को तैयार। पुलिस वालों के हाथ में रिवॉल्वर हो, उन्हें देख करके आप कांप रहे हो, आपके घर वाले परेशान हो, सोच रहे हो कि आखिरकार मेरे घर के इस फर्द ने क्या जुर्म कर लिया। आप एक बाप हो, आपकी बेटी उस घर में हो, बेटी को ये लग रहा हो कि बाप न जाने कौन सा जुर्म करके इस घर में छिपा हुआ था कि आज प्रशासन यहां पहुंच गई। आप दूसरों से क्या नजर मिलाएंगे? आप क्या अपनों से नजर मिला पाएंगे? क्या आप जवाब दे पाएंगे अपने उस घर वालों को, उनसे आंख मिला पाएंगे कि आखिरकार आज आपको आपके घर से पुलिस क्यों उठा करके ले जा रही है? लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने कोई जुर्म ना किया हो और तब आपके साथ इस तरह के मामलात हों तो फिर आप कैसे इस बात को साबित कर पाए जब आपको इस चीज का मौका ही ना दिया जा सके, क्योंकि रात के 1 बज रहे हो, प्रशासन आपके गेट के बाहर है, दस्तक दे चुकी है और आपसे ये कहा जा रहा है कि चलो हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं क्योंकि तुम्हारे नाम पर हमारे पास एक वारंट आया है। ऐसा ही एक मामला मधुबनी जिला अंतर्गत, बिहार का एक जिला है मधुबनी और उस मधुबनी जिला में एक थाना है बाबूबरी। बाबूबरी थाना में एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है छौराही। उस गांव के एक साहब हैं, हमारे साथ अभी मौजूद हैं, दाढ़ी टोपी में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें लोग मौलाना साबिर अंसारी मिफ्ताही के नाम से जानते हैं। काफ़ी चर्चित चेहरा है, कई बार स्टेज पर, मंच पर ये देखे जाते हैं। एक इलाके के कद्दावर इंसान हैं, इज्जत वाले शख्स हैं जिन्हें लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं, लेकिन उनकी इज्जत उस वक्त चली गई जिस वक्त देर रात प्रशासन के कुछ लोग इनके घर पर पहुँच गए और इन्हें उठा करके ले गए। ऐसे ले गए मानो कोई बहुत बड़े अपराधी हो, कोई आतंकी हो, कोई बहुत बड़े गैंगस्टर हो जिन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया। लेकिन मिफ्ताही साहब ये सोचने लगे कि आखिरकार इन्होंने क्या गलती की। बाद में पता चला कि प्रशासन इन्हें आज नहीं बल्कि 16 साल पुराने केस में उठाने के लिए लाई है। एक ऐसा केस जिसके बारे में ये जानते नहीं है, जिस क्षेत्र में ये मामला हुआ वो वहां आज तक गए नहीं है। प्रशासन से ये गुहार लगाते रहे कि साहब देर रात है, मेरे बाल बच्चे घर में है, मेरी बीवी घर पे है, वो सब परेशान हो जाएगी। आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपको लगता है कि मुझे आप तक पहुंचने की ज़रूरत है तो मैं सुबह सवेरे आपके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन प्रशासन नहीं मानी, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारे पास तुम्हारे नाम का वारंट है, हम तुम्हारे हाथों को बांधेंगे और एक मुजरिम की तरह इनके हाथों को बांध करके एक हथकड़ी लगा करके वहां से ले जाएंगे। आस पड़ोस के लोगों ने भी देखा, इस तमाशे को देख करके लोग ये सोचने लगे कि आखिरकार इस बंदे ने क्या जुर्म किया है। गांव के लोग सोचने लगे आज तो गांव का नाम डूब गया है, लेकिन कौन जानता था कि हकीकत यह है ही नहीं कि इन्होंने कोई जुर्म किया है। इन्हें देर रात पुलिस लेकर के आई, प्रशासन के लोग थाने में लेकर के आते हैं और फिर इन्हें लॉकअप में डाल दिया जाता है। देर रात ये लॉकअप में बंद होते हैं, लॉकअप के हालात कैसे होते हैं ये आप बखूबी जानते हैं। देर रात तक ये रहते हैं, सुबह लगभग 10 बजे के आसपास ये कहते हैं कि साहब ऐसा है कि अब तो थाने से लेकर के हमें अदालत तक ले चलिए ताकि अदालत के सामने मैं ये कह सकूं कि साहब मेरी कोई गलती है ही नहीं, मुझे क्यों उठाया गया। अभी ये इस चीज़ को कहना चाहते थे, अभी ये चीज़ अदालत के सामने पेश करना चाहते थे कि सामने से किसी पुलिस वाले ने कहा कि ऐसा है तुम्हारी मर्जी से सब कुछ नहीं चलता है, 3 बजे ये बातें होंगी, 3 बजे चलेंगे, 3 बजे जा करके अदालती कार्रवाई की जाएगी, अगर बहुत जल्दी है तो अपने पैसे से, अपने किराए से गाड़ी करो और यहाँ से मधुबनी में जो अदालत है यानी कि जिला कोर्ट है वहां जा करके अपनी पेशी। अब आप सोच लीजिए कि 3 बजे अगर ये जाते तो शायद पुलिस वाले अपनी गाड़ी से भेजते, लेकिन बिहार पुलिस के पास इतना पैसा थोड़ी है कि वो आपके ऊपर फूंक दे और इस वजह से इन्हें अपने पैसे से किराया देना पड़ा और फिर ये पहुंच गए मधुबनी पुलिस, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अगर शाम 3 बजे जाएंगे और किसी वजह से अदालत में कार्रवाई ना हो पाई तो मुमकिन है ऐसा भी हो कि फिर अदालती चक्कर अगले दिन की हो जाए और फिर इस वजह से उन्हें जेल में एक रात और गुजारनी। सोचिए ना, एक व्यक्ति जेल में गुजारे तो गांव इलाके में क्या नाम होगा। उसके बाद ये अदालत पहुंचते हैं, अदालत में जब मामला शुरू होता है, जब इस बारे में इनके वकील, क्योंकि इस मामले को वकील ही देखते हैं, तो इन्होंने एक वकील को सूचना दी कि हमारे साथ इस तरह के मामला सामने आए हैं। वकील साहब पहुंचे अदालत और अदालत के पास यानी कि कोर्ट के पास जाकर के इस मामले को देखा, कहा कि ऐसा है, इनका नाम साबिर अंसारी मिफ्ताही है, आप इनका नाम दिखाइए कि आखिरकार कौन सा जुर्म इन्होंने किया। अच्छा, चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशासन से जब इन्होंने देर रात ये सवाल किया कि आखिरकार आपने मुझे किस जुर्म में आप मुझे लेने के लिए आए हैं, तो इनसे कहा गया कि ऐसा है कि तुम एक गवाह हो एक केस की, जो 2014-16 के आसपास का गालिबन मामला है और उस 2008 का मामला है, तो काफ़ी पुराना मामला हो गया और उस मामले में आप एक गवाह हैं। ये मामला आपके ही गाँव के सटे हुए एक गाँव का है। ये कहते हैं कि मैं तो उस गाँव में गया भी नहीं और ना मुझे मालूम है,
और अगर मैं गवाह हूं तो आप मुझे अपराधी की तरह लेने के लिए क्यों आए? गवाह का काम तो ये होता है कि वो अदालत में जाके गवाह दे, तो गवाही देने से पहले उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, कोई नोटिस, कोई समन, लेकिन आज तक इनके पास न्यायालय का एक कोड़ा कागज नहीं पहुंचा। फिर आखिरकार इस तरह के मामलात कैसे? अदालत में जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई, जब पेशकार से पूछा गया कि बताइए कि आखिरकार ये साबिर अंसारी का नाम कहाँ है, तो पता चला कि ऐसा तो कोई नाम पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं है ही नहीं। कागजात के कागजात पलटे गए, तमाम कागजों को इधर से उधर कर दिया गया। तीतर बितर करने के बाद ये देखने की कोशिश की गई कि कहीं तो नाम दिखे कि साबिर अंसारी है, पता चला इनका कोई नाम कहीं है ही नहीं। तो फिर पेशकार ने ऐसी गलती कैसे की और इनके नाम पर वारंट कैसे जारी कर दिया गया? सवाल प्रशासन से तो होगी ही, पुलिस वाले से तो सवाल है कि आखिरकार आप देर रात गए और आपने सामने वाले की जरा न सुनी। लेकिन सवाल यह है कि अदालत में बैठे हुए वो लोग जो पेशकारी संभाल रहे हैं, आखिरकार वो कैसे काम कर रहे हैं और किस तरह से कागजात को पलट रहे हैं, लिख रहे हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति का नाम लिख देते हैं और उनकी इज्जत की, जो कहा सकता है, जो उनकी इज्जत समाज में है, उसे तार तार करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि पूरा मामला 24 अक्टूबर की रात का है। इसके बाद जनाब जब यहां से निकलते हैं, जब इन्हें पता चलता है कि इनका तो कोई मामला ही नहीं है, ये अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। घर जाने के बाद अपने घर से नहीं निकलते, ये सोच करके कि पता नहीं कैसे लोगों की आंख मिलाऊंगा, लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मेरी गलती तो नहीं है, क्योंकि गांव समाज के लोग तो बस यही देखते हैं कि आखिरकार इसके साथ पुलिस वाले ने किया क्या था। पुलिस ने तो हथकड़ी लगाई थी और वो हथकड़ी इतनी मजबूत थी कि आज भी हाथों में वो चुभन महसूस होती है कि एक पुलिस वाले ने हाथों में हथकड़ी पहना दी, वो भी तब जब कोई जुर्म किया ही नहीं। साबिर साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले में जानेंगे कि आखिरकार वो कौन सी चीज़ है जो हमसे झूठ रही है। साबिर साहब, क्या कुछ जो बातें हमने आपको बताई, अभी हमने बताई, इन मामलात में क्या ऐसी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जब प्रशासन के लोग आपके घर पर पहुंचते हैं 1:30 बजे रात में, उस वक्त क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है, परिवार वाले क्या कहते हैं? परिवार वाले वो सबके सब डर के सहम गए हुए थे, कुछ नहीं बोले। दरवाजे पर पहुँचा और पुलिस ने कस के आवाज़ दी, मैं आवाज़ का जवाब दिया, क्या बात है, का दरवाजा खोलिए। मैं जब दरवाजे से बाहर निकला तो सब बंदूक ताने मेरे तरफ खड़े थे, बंदूक ताने हुए जी हाँ। पूछा कि ऐसी क्या बात है, सब बंदूक लेकर के गए हुए थे, राइफल लेकर के। पूछा भाई क्या बात है, कहा कि आपके ऊपर वारंट है। हम कैसा वारंट है? तो इन लोगों ने कहा कि आप जो है तेघरा और बरवार में जितेंद्र सहनी नाम का कोई केस किया, उसके अंदर आप गवाह है। हाँ, इसी सिलसिले में आपका वर्ष मैंने कहा न मैं मुद्दे को जानता हूँ, न मुद्दे आले, न जितेंद्र सिंह को किसी को जानता हूँ, और न मुझे 2008 की बात है। मैंने आज तक उसका जो है मुझे कोई समन भी नहीं आया, और डायरेक्ट आप एक गवाह के ऊपर कोर्ट से वारंट कैसे आ गया? बहरहाल अगर हाथ अगर आया भी तो आप हमें दिन में कहते, मैं आपके साथ चले जाता, मुझे जाने में कोई बात नहीं। लेकिन रात के तारीख में 1 बजे में आपने हमें डिस्टर्ब किया और मेरे घर वाले सबको परेशान किया। बहरहाल कहा कि नहीं आपको वारंट है, आपको चलना पड़ेगा। मैं साथ में कहा कि कोई बात नहीं, मैं बेकसूर हूँ, चलो लेकर के चले। उसके बाद मुझे वो बरवार मिर्ज़ापुर होते हुए लेकर के हमको वहाँ पहुँचे, मतलब पूरा इलाके देखा जी साहब रात में। उसके बाद जो है मुझे लोको में जा करके बंद कर दिया। मैंने कहा कि इसके अंदर में बदबू बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऊपर से लेटिंग किया हुआ, दरवाज़ा नहीं बंद है, दरवाज़ा लेटिंग में नहीं है, ऊपर में लेटिंग किया हुआ, पेशाब का बदबू, नाक फटा जा रहा है, मैं मुजरिम नहीं हूँ, जी हाँ मैं मुजरिम नहीं हूँ, मुझे बाहर किया जाए। तो इन्होंने कहा कि कोर्ट का वारंट आपके नाम है, आप मुजरिम हैं, आप इसी के अंदर में रहें। बहरहाल जब मैंने कहा तो उसने पाइप लगा करके, दूसरा एक मुजरिम था उसके अंदर भी, उसके ज़रिए से उसने जो है पाइप से उस लेटरिंग को और पेशाब की गंदगी को उसको धोया, वो साफ किया। बहरहाल रात भर मैं उसमें रहा। सुबह 9 बजे मैं फिर जो है इन लोगों ने कहा कि वहाँ चलना है मेडिकल, अच्छा। आपकी वहाँ जांच होगी, टेस्ट होगा, मेडिकल रिपोर्ट बनना है। फिर मुझे हथकड़ी लगाया गया वहाँ पर। मैंने कहा कि मैं सारे पुलिस वाले के बीच में, मुझे हथकड़ी की क्या ज़रूरत है, चलो मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ मैं मुजरिम नहीं हूँ, मेरे नाम से कोई गलत साजिश की गई है, आप मुझे लेकर के चलो। ये सब के सब वहाँ से लेकर के हमें लगा करके, नहीं ये कोर्ट का ऑर्डर होता है, जो भी जिसके ऊपर वारंट है हथकड़ी लगा करके ले जाया जाएगा। मैंने कहा भी कि मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालो, मैं मुजरिम नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों ने, पुलिस वालों ने मिल करके मेरे साथ हथकड़ी लगा करके उस हॉस्पिटल के अंदर में घुमाया, वहाँ टेस्ट कराया, फिर वहाँ से ले करके आया, और उसके बाद फिर लॉकर में बंद कर दिया कि जब तक आपका कागजात तैयार होता है तब तक आप जो है इसी के अंदर में रहें। बहरहाल कागज़ कब तैयार होगा भाई,
तो आप इतनी जल्दी क्यों? हम इसलिए जल्दी हैं ताकि हमको जो है वहां जाने के बाद हमारा मामला साफ हो जाएगा, हम बड़ी हो जाएंगे। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ कागजात तैयार करने में कम से कम आपको 3 बज जाएगा। मैंने कहा कि अगर ये 3 बज जाएगा तो फिर मेरा एक रात फिर और रहना पड़ेगा, जबकि इस लोकल के अंदर में रात भर मैं सोया नहीं, मच्छर से काटता हुआ परेशान रहा, पाँव वगैरह जगह जगह उसमें सूजन आ गया नोचते नोचते, ये आलम था। बहरहाल मुझे वहाँ से हथकड़ी लगा करके फिर जो है अंदर में डाला, और उसके बाद कहा कि अगर आप पहले जाना चाहते हैं तो आप अपना गाड़ी करवा लीजिए रिश्तेदार के जरिए से। मैं अपने रिश्तेदार को बोला तो वो गाड़ी करके किराया पर ले करके आए। उसके बाद मुझे वहाँ से तकरीबन 11:30 बजे वहाँ से मुझको लेकर के आया, साथ में कोई 11 बजे साथ में कोई साथ में 3 पुलिस वाले दोनों तरफ, एक आगे बैठा और 2 मेरे इस तरफ और 2 मेरे इस तरफ। उस वक्त मैंने उसको कहा कि मैं इज्जतदार आदमी हूँ, भागने वाला नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो यार, आप इसको हटा करके भी तो रख सकते हो। उसके वक्त भी हथकड़ी मेरे साथ लगा हुआ। फिर मैं कोर्ट में पहुंचा, वहां मुझे हथकड़ी लगाया हुआ। उसके बाद जो वकील है उनको खबर दी गई, वो तुरंत आया और उसके बाद में पेशकार को कहा कि कागजात दिखाइए इनका। जब दिखाया गया तो कहा कि नहीं, ये आदमी नहीं है, इनका नाम नहीं है केस में, जल्दी खोलो इसका। तब मुझे खोला वहाँ पे। अब मैं यहाँ से जब मैं सोचा कि जाकर के केस करता हूँ इन लोगों के ऊपर, क्यों मेरे साथ किया, तो कुछ लोगों ने जो है मेरे साथ में रहने वाले थे, आप क्या मौलाना साहब केस वगैरह ला दिएगा, ये पुलिस वाले आपको एक दूसरे केस में तीसरे केस में डाल करके आपको परेशान करेंगे, हाँ आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देंगे अगर इसके ऊपर करेंगे तो। बहरहाल मैं छोड़ दिया, वहां से चला गया। लेकिन कुछ आदमी वहां पर गए, अब घर के ऊपर जो गए तो हर आदमी लोग ताना मारता है, कितने खिचड़ी खाए, क्या आपके साथ हुआ, कितना जो है मजा आया रहने में, इस तरीके से ताना मेरे साथ मारता रहा, लोग मारते रहे, मैं परेशान होकर के मैं क्या करता, मैं यहाँ आकर के जो है क्या आप चाहते हैं, मतलब आपकी क्या मंशा है? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में जा करके जो है ये जिन लोगों ने कहा मुझे परेशानी में डाला है, वहाँ जा करके मेरी इज्जत को वो बहाल करे, और वहाँ जा करके वो लोग कहे कि मौलाना साहब बड़ी जिम्मा है, मौलाना साहब के ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं है, नहीं तो लोग मुझे तरह तरह के ताना कसते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ साबिर अंसारी मिफ्ताही साहब मौलाना हैं, और एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा कमाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो इज़्ज़त होती है। लेकिन किसी इंसान की इज़्ज़त को तार तार कर दिया जाए तो उसे लौटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। आज साबिर मिफ्ताही साहब को लगता है कि जब ये गाँव में जाते हैं तो लोग इन्हें ताना देते हैं, कहते हैं बताओ कितनी खिचड़ी खाई, गए जब जेल तो क्या सब कुछ हुआ, कितनी इज़्ज़त दी गई। यकीनी तौर पर ये चीज़ें दिल को चुभती है, और लगता है कि जब कोई गलती नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया, तो फिर इस तरह की बातें और इस तरह के ताने क्यों सुनो। आज इनके साथ जो कुछ हुआ वो शायद किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में ही ये बात कही थी कि सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इस तरह के चूक हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन चूक का जो निशाना है वो हमेशा इंसान बनता है, हमेशा समाज का वो व्यक्ति बनता है जो शायद कभी इन तरह के मामलात में इन्वॉल्व भी नहीं होता है। जिस गांव का केस इनके ऊपर लादा गया, जिस व्यक्ति का केस इनके साथ जोड़ दिया गया, ना उस व्यक्ति को ये जानते थे, ना ही जानते थे कि कभी उस गांव में ये पहुंचे। 2008, आज 2024, सोचिए प्रशासन की नाकामी को कि आज 16 साल के बाद इस केस में एक व्यक्ति को तलाशा भी, तो वो भी ऐसे व्यक्ति को जिसका इस मामले से कोई जुड़ाव ही नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंसाफ परस्त व्यक्ति अपने आप को बताते हैं, खुद को सेकुलर नेता बताते हैं। सवाल यह है कि उनके इस राज में, उनके इस सत्ता के वक्त में आखिरकार प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी क्यों हो गई है, क्यों इतनी चरमरा गई है? हमें वो नीतीश कुमार चाहिए जो पहले हुआ करते थे, जो जिनके राज में अफसरशाही नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज अफसोस की अफसरशाही इस लेवल पर है कि प्रशासन के लोग घर में पहुँच करके देर रात बंद कमरे से लोगों को उठाकर लॉकअप में लेकर के चले जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जिन लोगों ने बेवजह इन्हें फंसा दिया और इनके नाम को जो है वो बदनाम कर दिया। आज ये इस वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि इनका जो नाम बदनाम हुआ, उस बदनामी को दोबारा सही किया जा सके। ये तभी सही हो सकता है जब प्रशासन के लोग गाँव के लोगों को ये सूचना दे कि ऐसा नहीं था, कोई लिखित सूचना दे दी जाए कि जिस व्यक्ति को हमने गिरफ्तारी की वो हमारी चूक थी या अदालती चूक थी। या इन्हें चाहिए कि गांव के सरपंच से, गांव के मुखिया से ये जो है नोटिस के जरिए अदालत की तरफ से यह
या प्रशासन की तरफ से जो है ये एक नोटिस जारी करवाई जाए सरपंच मुखिया के जरिए कि इन साहब ने कोई गलती नहीं की थी, एक चूक हुई किसी भी व्यक्ति का नाम। कौन कहता है कि अदालत के जज साहब ही ये बात कहें कि इन साहब से गलती हुई है, वो तो एक पेशकार भी लिख करके दे दे कि साहब ऐसी है हमसे गलती हुई है, तो कम से कम गाँव समाज के लोगों को ये लग जाए कि हाँ इनसे कोई गलती नहीं। आइंदा इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा जाना चाहिए कि कभी किसी व्यक्ति की जब गिरफ्तारी हो तो उनकी भी सुनी जाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप तमाम लोगों को जागरूक करना है कि आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है, डरिएगा मत, जाइएगा और जाने के बाद अगले दिन अदालत में सीना चौड़ा करके खड़े होइएगा और कहिएगा कि साहब हमारी गलती नहीं है, हमने कोई जुर्म नहीं किया, आपके साथ भी वही होगा जो इनके साथ हुआ है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 24 घंटा यूँ कहिए कि 12-13-14 घंटा जो इन्होंने गुजारा वो इनकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ देह जो कहा जा सकता है वक्त था। हमें उम्मीद है इस पूरे मामले में ज़िला प्रशासन अपना हस्तक्षेप करेगी, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक साहब इस मामले को देखते हुए इस पर गौर व फिक्र करेंगे कि आखिरकार उनसे जुड़े हुए अधिकारी, उनसे जुड़े हुए पुलिसकर्मी इस तरह का कार्य कैसे कर सकते हैं और किसी को बेवजह घर से कैसे उठा सकते हैं। आप तमाम लोगों का इस मामले पर क्या कुछ सोचना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय ज़रूर लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।